जनजातियों के समग्र विकास के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सशक्त नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच से मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से हर जनजातीय परिवार को सशक्त बनाना, उनके विकास की राह को मजबूत करना, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। आत्मनिर्भरता का आधार बनाते हुए जनजातीय समाज को अवसरों से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर जनजातीय सपना पंख पा सके और उन्हें आत्मसम्मान और उन्नति की राह मिल सके। इतना ही नहीं, प्रदेश में जनजातीय समुदायों के लिए पेसा नियम जल, जंगल और जमीन पर अधिकार का सशक्त माध्यम बना है। 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11596 गांव में नवंबर 2022 से पेसा नियम लागू है। नियमों में प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजातीय वर्ग के हितों के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से जनजातीय समुदाय के 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा और विद्युतीकरण से जुड़े कार्य भी हो रहे हैं। वहीं आहार अनुदान सहित अन्य योजनाओं के लाभ से भी जनजातीय वर्ग के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। जनजातीय स्वाभिमान का उज्जवल पथ डबल इंजन सरकार में कमजोर वर्ग हो रहा सशक्त।